15 अगस्त को लाल किले पर आजादी का जश्न मनाया गया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल को 50 दिन भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में पार्टी ने उनका रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि LOP के तौर पर राहुल गांधी ने संसद में 9 बार भाषण दिया, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, 9 राज्यों का दौरा किया और मजदूरों, किसानों, लोको पायलटों और छात्रों समेत 25 ग्रुप्स के साथ बातचीत की। रिपोर्ट कार्ड में ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने नीट विवाद, अग्निवीर विवाद, बजट चक्रव्यूह जैसे मुद्दों को भी खूब उठाया। वहीं एक दशक में पहली बार विपक्ष के नेता के रूप में लाल किले पर राहुल गांधी के जाने की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। सफेद कुर्ता पायजामा पहने राहुल गांधी को मनु भाकर और सरबजोत सिंह जैसे ओलंपिक पदक विजेताओं के बाद दूसरी पंक्ति में बैठे देखा गया, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। इस घटना को 233 सांसदों के प्रतिनिधि का अपमान बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद पर सरकार की तरफ से सफाई आई है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी को पीछे की सीट इसलिए दी गई क्योंकि आगे की सीटें ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए रिजर्व थीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।